चक्कर जो है प्लेटलेट्स में, मतलब क्या ये जो मेगा कैरियोसाइट्स था, ये जो मेगा कैरियोसाइट इसका जो फ्रेगमेंट बना इसको प्लेटलेट्स बोल दिया। अब इस प्लेटलेट्स में क्या कंटेन है, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है। थर्ड क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्मा में इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं, और कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल प्लेटलेट्स। तो कौन कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, थर्ड अपना क्या हो गया, साइटोप्लाज्मा, जिसे इसमें क्या क्या होगा, सेल्स ऑर्गेनल्स आ गए। सेल्स ऑर्गेनल में जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब। सेल्स ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, सेल में जो चीज़ कंटेन है उसको हम बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनल। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल और जो प्लेटलेट्स है, सेल भी नहीं है तो उसको हम लोग, उसमें क्या ही कैंसर होगा, सेल ही नहीं है तो सेल का कैंसर ही होता है, सेल ही नहीं है। अब सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला स्ट्रक्चर है, तो किससे होती है, बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ, ये बनी होती है अपने ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, एंड फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ये होता है। अब इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ये क्या होता है, इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से क्या होता है, जब ब्लड वेसल में इंजरी होती है, सपोज ये ब्लड वेसल है, ये इसका एंडोथेलियल है, अब ये ब्लड वेसल में इंजरी हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो यहाँ पे जो कोलेजन होते हैं ना, ये कोलेजन फाइबर होते हैं जो ब्लड वेसल में वॉल पे एक्सपोज हो जाते हैं, इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स आके चिपक जाता है। पर ये किससे चिपकता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और भी कुछ चीज़ें हैं उससे चिपकेगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन को चिपकाने में मदद करता है एक्सपोज कोलेजन से, पर कभी होगा जब ब्लड वेसल की इंजरी होगी, नॉर्मल जब ब्लड वेसल की इंजरी नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग सेकंड देखते हैं, फॉस्फोलिपिड का क्या काम है। तो हम लोग ने ग्लाइकोप्रोटीन देख लिया, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड का यार क्या काम है, बेसिकली ये प्रिकर्सर होता है थ्रोम्बोक्सिन, प्रिकर्सर मतलब क्या, थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रिकर्सर होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, एक्सेलरेट करता है किसको, क्लोटिंग फैक्टर को एक्सेलरेट करता है। तो ये हो गया, तो फॉस्फोलिपिड का प्रिकर्सर होता है थ्रोम्बोक्सिन, ये हो गया। प्रिकर्सर मतलब जहाँ से, मतलब वो डिराइव हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल कुछ नहीं प्रोवाइड करता, बस ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लेटलेट्स को। तो ये हो गया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तो इसमें दूसरा स्लाइड बता दूँगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, थर्ड हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में इसके क्या क्या होते हैं, एक तो एक कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, सेकेंड क्या होता है, ग्रेन्यूल्स, और कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है। अब सब्सटेंस में जैसे इसमें हार्मोन हो गया, इंजाइम हो गया, और प्रोटीन हो गया, ये सब ये रिलीज करता है। तो ये हो गया, तो हम लोग ने ये देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन में हम लोग ने क्या देखा, ग्लाइकोप्रोटीन देखा जो कि एक्सपोज कोलेजन से उसको चिपकाने में मदद कर रहा था। उसके बाद फॉस्फोलिपिड देखा कि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा है उसके क्या करता है, बेसिकली एस्केलेट करता है क्लोटिंग फैक्टर प्रोसेस को। माइक्रोट्यूब्यूल लिखा जो प्रोसेस जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और साइटोप्लाज्म में सबसे पहले अब हम लोग कंटेन देखें, और सबसे पहले अब हम लोग इसमें देखते हैं प्रोटीन। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, प्रोटीन होता है ये, जो कि क्या करता है, रिट्रैक्शन बोल दो, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स बोल दो, इसको अच्छा रहेगा।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कराता है, तो इसको हम लोग देखेंगे जो कि रिट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये हो गया सबसे पहले एक्टिन मायोसिन, दूसरा हो गया थ्रोम्बोइस्टेसिन। मतलब बेसिकली क्या होता है, रिट्रैक्शन ऑफ क्लोट। तो ये क्लोट का रिट्रैक्शन करता है थ्रोम्बोइस्टेसिन। तो थ्रोम्बोइस्टेसिन ये करता है। तो हम लोग ने टीन मायोसिन देखा और थ्रोम्बोइस्टेसिन देखा। सेकेंड हम लोग देते हैं वॉन बिलीब्रांड फैक्टर। तो वॉन बिलीब्रांड फैक्टर सेम चीज़ है, ए ब्लड वेसल में इंजरी हुई। अब इसमें से क्या हुआ, जो ये अपना जो कोलेजन एक्सपोज हुआ, इससे प्लेटलेट्स आके चिपकता है। कैसे चिपकेगा, वॉन बिलीब्रांड फैक्टर से की हेल्प से। एक डिजीज़ होती है वॉन बिलीब्रांड डिजीज़, इसमें ये फैक्टर अब्सेंट होता है, वॉन बिलीब्रांड फैक्टर। तो इससे वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो अपना काम ही नहीं कर पाता। काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यही इसको प्लेटलेट्स को एक्सपोज कोलेजन से चिपकाने में मदद कर रहा है। पर अगर ये नहीं रहेगा तो ये चिपकेगा नहीं, तो काम ही नहीं होगा, तो क्लोट बनेगा ही नहीं। तो ये हो गया। तो वॉन बिलीब्रांड फैक्टर अब्सेंट रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉन बिलीब्रांड डिजीज़। तो हम लोग ने तीन अभी तक देख लिया, थ्रोम्बोइस्टेसिन, अब हम लोग देखते हैं वॉन बिलीब्रांड और एक्टिन मायोसिन। फोर्थ हम लोग देखते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसको EFSF बोलते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर 13 को रेगुलेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर 13 को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक होता है PDGF। तो PDGF ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PDGF का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स डिराइव ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल इंजर्ड हो गया है उसको एक रिपेयर करने में काम करता है, रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल। उसके बाद ऊन डीलिंग मतलब घाव लग गया तो उसमें वो हीलिंग में हेल्प करता है। थर्ड, प्रोलीफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिशू में हेल्प करता है। ये हो गया। तो रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल में क्या करता है, उसको रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल को रिपेयर करता है, ऊन हीलिंग में हेल्प करता है, और यहाँ पे क्या करता है, प्रोलीफरेशन ऑफ टिशू। तो इसका तीन इंपॉर्टेंट काम है, रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल, ऊन हीलिंग, और थर्ड क्या करता है, थर्ड ये अपना करता है प्रोलीफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिशू। मतलब ये हो गया मतलब इसमें क्या होता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू जो है डैमेज हो जाती हैं तो उनका प्रोलीफरेशन करता है, और ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती है तो उनका हीलिंग करता है, रिपेयर करता है उसको, और उनको हीलिंग करता है, घाव को हीलिंग करता है। एक सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो कि क्या करता है, इसका नाम से ही पता चलता है, क्या करेगा, एक्टिवेट प्लेटलेट्स। तो जब भी इंजरी होगी तो क्या करेगा, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। ये होगा। तो ये सब कभी होंगे जब ब्लीडिंग, ये सब जो भी है ना, तभी होंगे जब ब्लड वेसल इंजर्ड होगा। नॉर्मली ये सब ऐसा नहीं होते, जब ब्लड वेसल इंजर होता है तभी ये सब होते हैं। ये हो गया। और ये क्या करता है, और ये करता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो उसके बाद हम लोग देख लिया हार्मोन, सब हम लोग देखते हैं कुछ। अब कुछ हार्मोन तो हम लोग ने सबसे पहले एक समरी हम लोग करते हैं प्रोटीन का, कौन कौन सा अभी तक हम लोग ने प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन पढ़ा। जैसे हम लोग ने पढ़ा फाइब्रिन एक्टिवेटिंग फैक्टर, उसके बाद PDGF प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, इसमें क्या करता है, रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल, प्रोलीफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऊन हीलिंग। उसके बाद एक्टिन मायोसिन में हम लोग कंट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने थ्रोम्बोइस्टेसिन पढ़ा, रिट्रैक्शन ऑफ क्लोटलेट्स, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसके बाद वॉन बिलीब्रांड फैक्टर। ये क्या करता है, एक्सपोज कोलेजन को क्या करता है, प्लेटलेट्स से चिपकाने में मदद करता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्मोन, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं अभी हम लोग, कुछ हार्मोन जो कि प्लेटलेट्स का जो साइटोप्लाज्मा है वो रिलीज करता है। तो जैसे सबसे पहले बताऊँ तो कौन सा हार्मोन है, जैसे एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो कि पता है लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, फाइट फ्लाइट हम लोगों ने पढ़ा है। एक 5-HT होता है सेरोटोनिन, जो कि ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है बेसिकली। तो ब्लड वेसल अगर कहीं से ब्लड वेसल इंजरी हो गई ना, तो ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, तो ब्लड जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, 5-HT मतलब सेरोटोनिन, एड्रेनलिन और हिस्टामिन।
अब देखो ये भी क्या, हिस्टामिन मतलब कौन सीक्रेट करता था पता है क्या, हिस्टामिन मस्ट सेल, सबसे ज़्यादा हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता था, मस्ट सेल। और बैसोफिल भी सीक्रेट करती थी, पर सबसे ज़्यादा हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता है, मस्ट सेल। और हिस्टामिन का काम क्या होता है, वैसोडायलेशन का काम करता है हिस्टामिन। और जो सेरोटोनिन है वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। अब हम लोग प्लेटलेट्स के कुछ ग्रेन्यूल्स हम लोग देखते हैं, उनके ग्रेन्यूल में होते क्या हैं, तो कुछ अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें क्लोटिंग फैक्टर आ जाते हैं अपने, फाइब्रिनोजेन आ जाते हैं फैक्टर नंबर 5, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं जैसे इसमें न्यूक्लियोटाइड, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। देखो काउंट ऑफ प्लेटलेट्स से हम लोग इसका इंपॉर्टेंट भी देखेंगे उसका क्लिनिकल। सबसे पहले नॉर्मल लेवल की बात करें, प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख के आसपास होता है प्लेटलेट्स का काउंट, 1.5 लाख टू 3.5 लाख के आसपास होता है। अगर इसका काउंट डिक्रीज हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोल देते हैं। इसका काउंट इंक्रीज हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस हम लोग इसको बोल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस केस में प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है, तो प्लेटलेट्स का काउंट किस केस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले डेंगू, तो डेंगू के केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है डैमेज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स डैमेज हो जाते हैं। सेकेंड मतलब उसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, जो खुद जो एंटीबॉडी बनी है प्लेटलेट्स को डैमेज करती है। पहला डेंगेज डैम पहला क्या हो गया, दूसरा क्या होता है, अप्लास्टिक अनीमिया। इसमें क्या होता है, सब सेल जो है कम हो जाता है, आरबीसी भी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें बोन मैरो फेल हो जाता है। थर्ड कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे स्कारलेट फीवर, तो वायरल इन्फेक्शन में भी याद रखना प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो डेंगू अप्लास्टिक अनीमिया और थर्ड टीबी में भी देखा गया है कि इसमें कम हो जाते हैं। फोर्थ हो गया स्प्लिनोमेगली, तो स्प्लिनोमेगली अगर हो जाए तो उसमें भी कम हो जाते हैं। तो और टाइफाइड में भी याद रखना, टाइफाइड में भी प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे डेंगू याद रखने का अपने को, इंपॉर्टेंट है वायरल इन्फेक्शन याद रखने का, प्लास्टिक अनीमिया याद रखने का है, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, तो टीबी और टाइफाइड, तो दो टी आएगा, तो ए हो गया। उसके बाद स्प्लेनोमेगली हो गया, तो क्या क्या हो गया, डेंगू हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टीटी टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, उसके बाद अप्लास्टिक अनीमिया तो पता ही रहेगा सबको, और वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो अभी हो गया। अब हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस किस में देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस तो थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब जिसमें अब देखो बहुत ज़्यादा हिमरेज हो रहा है ना, तो हिमरेज हो रहा है तो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको क्लोटिंग फैक्टर क्लोट कराना रहता है, तो प्लेटलेट्स का लेवल उस समय हिमरेज के समय बढ़ जाता है। सेकंड देखा गया है किसी को स्प्लीन निकाल दे, स्प्लीनेक्टोमी अगर निकाल देंगे तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय ही नहीं होंगे, क्योंकि स्प्लीन ही ये सबको डिस्ट्रॉय करती है, तो स्प्लीन डिस्ट्रॉय नहीं होंगी तो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएगा, तो हिमरेज हो गया, स्प्लीनेक्टोमी हो गया। रिमेटिक फीवर में देखा गया है, और एलर्जिक कंडीशन इनमें इन्फ्लामेशन होता है, तो इसमें बढ़ जाते हैं प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं। तो हिमरेज याद रखना, स्प्लीनेक्टोमी हो गया, एस्फिक्सिया में भी प्लेटलेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब डेवलपमेंट तो मैंने बता दिया, मेगा कैरोसाइट्स होता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसके दो प्रॉपर्टी होती हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स में क्या होता है, सबसे पहले होता है अधेरेंस और दूसरा होता है अग्लूटिनेशन। अधेरेंस का मतलब क्या होता है, चिपकना, जैसे मैंने बताया ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल इंजर्ड हुई तो सपोज यहाँ पे ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई, तो जो है एक्सपोज हो गया, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो जाते हैं जो कि ब्लड वेसल वॉल में होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एंडोथीलियल में होते हैं कोलेजन फाइबर, तो क्या होता है प्लेटलेट जो है आके कोलेजन फाइबर से चिपक जाएगा, और किससे चिपकेगा, वॉल बिलिब्रांड फैक्टर से, तो इसी को बोलते हैं अधेशन। अब दूसरा देखते हैं अग्लूटिनेशन, तो अभी हम लोग देखते हैं अधेशन। तो अधेशन में क्या होता है, लंप बन जाता है, प्लेटलेट्स आके चिपक जाते हैं, लंपिंग हो जाती है वहाँ पे, लंप बन जाता है। और अग्लूटिनेशन में हम लोग देखते हैं अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट्स कि बहुत सारे प्लेटलेट्स आके एक साथ मिल जाते हैं, और ये किससे होता है, एक्सेलरेट किससे होता है भाई, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो जो जो अभी हम लोग ने देखे हैं ना, जो जो फैक्टर पड़े, जैसे थ्रोम्बोक्सिन हो गया, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, प्लेटलेट डिराइव फैक्टर हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया, ये सब एक्टिवेट करते हैं अधेरेंस और एग्लूटिनेशन को।
इसकी वजह से ही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, तो सबसे पहले क्लोट फॉर्मेशन मतलब वही अधेरेंस, अग्लूटिनेशन, ये सब किससे होगा, जितने भी एक्टिवेटिंग फैक्टर हैं जैसे थ्रोम्बोक्सोन ए टू का काम क्या था, अभी हम लोग ने देखा था थ्रोम्बोक्सोन ए टू क्या करता था। थ्रोम्बोक्सोन ए टू ये बेसिकली एक्सेलरेट करता था क्लोटिंग फैक्टर को। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हम लोग ने देखा था, वॉन विलीब्रांड फैक्टर देखा था, कैल्शियम टू प्लस देख लो, कैल्शियम प्लस टू देख लो, या फिर थ्रोम्बोस्टेसिन देख लो, या फिर अपना प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर हो गया, एक्टिन मायोसिन, ये सब बेसिकली एक्टिवेट करते हैं इसको क्लोट फॉर्मेशन में, इसी की वजह से होता है ये। दूसरा होता है रिट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट। तो रिट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है ना, सपोज ये कोलिजन फाइबर ऐसे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RBC WBC ऐसे इकट्ठी हो जाती है, ऐसे इकट्ठी हो जाती है, कोलिजन फाइबर एक्सप्रेस होते हैं, तो क्लोट जो है ऐसे ऐसे बनता है, क्लोट एक मेस लाइक फॉर्म में बनता है। पर ये यहाँ से क्या हो, ब्लड वेसल में से पानी लीक ना हो, फ्लूड ना लीक हो, इसी के लिए ब्लड क्लोट जो होता है मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, मेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एकदम क्या होता है कि क्लोट को एकदम क्लोट सिकुड़ जाता है। ये कौन कराता है, एक्टिन और मायोसिन मिलनी कराती है, एक्टिन मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेसिन तीन चीज़ कराती है, एक्टिन मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेसिन ये रिट्रैक्शन ऑफ क्लोटलेट कराती हैं, ताकि क्लोटलेट सिकुड़ जाता है, इससे ये हो गया और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो देखो क्या हुआ, ब्लड क्लोटिंग हुई प्लस क्लोट रिट्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड वेसल इसी वजह से इंजर्ड हो गया और ब्लड लॉस प्रिवेंट हो गया। ये अपने को ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो और दूसरा तो ब्लड लॉस कैसे प्रिवेंट होगा, एक प्लेटलेट जो है मैंने बताया था ये 5-HT सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मतलब ब्लड लॉस जो होता है, ब्लड लॉस डिक्रीज हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर बताओ, अभी हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेटर, क्योंकि प्लेटलेट्स को कौन कौन एक्टिवेट करेगा। देखो प्लेटलेट्स एक्टिवेट कभी होते हैं जब ब्लीडिंग होती है, जब जैसे इंजर्ड जो ब्लड वेसल है इंजर्ड होते हैं, तो जैसे कोलेजन हो गया, अभी मैंने बताया कोलेजन जब एक्सपोज होता है उसमें प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोक्सोन ए टू प्लेट, उसके बाद कैल्शियम प्लस टू, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और वॉन विलीब्रांड फैक्टर। तो ये क्या है अपने, ये फैक्टर है क्या, एक्टिवेट करने वाले प्लेटलेट्स को, तो ये क्लोट कराने वाले हैं, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं प्लेटलेट्स इनहिबिटरी फैक्टर। देखो जरूरी नहीं है कि, देखो फिजियोलॉजी क्या बोलती है बॉडी की, कि हमेशा क्लोट भी नहीं होना चाहिए। क्लोट कभी होगा, जब भी इंजरी ब्लड वेसल की इंजरी होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर क्लोट हो जाए तो इशेमिया हो जाएगा तो ऑर्गन डैमेज होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, इसी के लिए हमेशा क्लोटिंग भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स इनहिबिटर होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, क्लोटिंग फैक्टर हो गए जो कि क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन हो गया। अब कुछ ड्रग होते हैं इंपॉर्टेंट जो कि वो करते हैं, जैसे इस्टेरॉइड हो गया। तो ये तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल होता है, जो बॉडी में पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोटिंग फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन। पर ड्रग तो जो होता है हम लोग जो देते हैं वो, तो स्टेरॉइड ड्रग, तो ड्रग का अलग से लिखता हूँ मैं। तो जो प्लेटलेट्स को इनहिबिट करने वाले ड्रग हैं, स्पेलिंग देख लेना, जो कि ड्रग है जो प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले स्टेरॉइड, याद रखने का, स्टेरॉइड जो है प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो उसको वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है उसमें। तो ये हो गया प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में, जो पहला स्टेरॉइड हो गया। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड हो गया क्लिपेडोगिल। तो क्लिपेडोगिल बेसिकली क्या करता है, ये भी प्लेटलेट्स को इनहिबिट करता है। थर्ड, अगर हम लोग कोई ड्रग ले रहे हैं, थर्ड जैसे पहला तो स्टेरॉइड हो गया, दूसरा है दूसरा लो डोज एस्पिरिन, तो ये तो सबको पता है एस्पिरिन जो होता है वो कम करता है। तो स्टेरॉइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत चलते हैं, और क्लिपेडोगिल तो पता होता है, ये प्लेटलेट्स जो है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनमें क्लोटिंग वगैरह बनती है उनमें हम लोग देते हैं।
जैसे हिपेरिन हो गया या फिर क्लोपिडेगोल हो गया, ओरफिन हो गया, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो क्लोपिडोगिल, ओरफिन, जैसे ओरफिन हो गया वो भी कम करता है, तो ए हो गया। तो ए तो इम्पॉर्टेंट याद क्या रखने का है, स्टेरॉइड प्लेटलेट्स कम करता है पहला, इसी के लिए डेंगू में स्टेरॉइड नहीं देते। क्यों? क्योंकि डेंगू में क्या होगा, स्टेरॉइड देंगे तो प्लेटलेट का काउंट पहले ही कम होता है तो और कम हो जाएगा। दूसरा, लो डोज एस्पिरिन जो कि हार्ट वाले पेशेंट में चलती हैं, लो डोज एस्पिरिन। थर्ड, क्लोपिडोगिल और लिखना है तो ओरफिन भी लिख लेने का, ओरफिन, हिपरिन, ये सब प्लेटलेट्स को क्या करती है, कम करती हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो स्टेरॉइड अच्छे से याद रखने का कि स्टेरॉइड प्लेटलेट्स काउंट कम करती हैं, स्टेरॉइड प्लेटलेट्स का काउंट कम करती हैं, स्टेरॉइड याद रखने का, प्लेटलेट काउंट कम करती हैं, और तो पता ही रहेगा सबको। क्योंकि अब क्योंकि जो कि क्योंकि जो होता है एस्पिरिन सब नॉर्मली चलती है कॉमनली, तो सबको पता रहता है। तो ये देखो, अब हीमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लोट, कि ब्लड ब्लड जो होता है स्टॉप हो जाना, हीमोस्टेटिस, हीमो स्टेटिस, हीमो मतलब ब्लड, स्टेटिस मतलब स्टॉप, तो ब्लड स्टॉप हो जाना। अब देखो, ब्लड स्टॉप होने के इसमें तीन स्टेजेस हैं, कौन कौन से, एक तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, दूसरा प्लेटलेट्स क्लोट फॉर्म, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, मतलब वही जो प्लेटलेट्स है वो क्लोट बना दे। थर्ड क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, ब्लड कोगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक तो हो जाए, जैसे सेरोटोनिन रिलीज करके, जैसे या फिर प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, या फिर अपना ब्लड क्लोटिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि कराती हैं अपनी हीमोस्टेटिस, मतलब ब्लड ब्लीडिंग को स्टॉप। कौन कौन सी तीन चीज़ें हीमोस्टेटिस कराती हैं, कौन कौन तीन चीज़ें, एक तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा यहाँ पे अपना ब्लड कोगुलेशन। ये हो गया, ये तीनों क्या करती हैं, हीमोस्टेटिस करती है, हीमोस्टेटिस मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप कराती हैं। तो ये ध्यान रखने का अपने को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्लेटलेट्स। तो ये मैंने पूरा प्लेटलेट्स के बारे में पूरा जानकारी दिया, जो जो प्लेटलेट्स के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है याद रखना है, प्लेटलेट्स डिराइव फैक्टर, प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं, स्टेरॉइड याद रखने का अच्छे से, स्टेरॉइड हम लोग को कोई डेंगू में नहीं देना है। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड क्या होती है, प्लेटलेट्स को काउंट, या फिर वायरल इन्फेक्शन में भी स्टेरॉइड अगर दे दिए तो भी प्लेटलेट उसमें कम रहता है वायरल में, तो ये हो सकता है उसमें ब्लीडिंग। तो स्टेरॉइड हम लोग अवॉइड करते हैं, स्टेरॉइड इसी के लिए सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स।